जय हिंद साथियों, बीएसएफ ट्रेड्समैन के शेयरों, आप लोग कैसा है, कैसी आप लोगों की तैयारी चल रही है? बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल आप लोगों का खत्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल व ट्रेड टेस्ट पास किया है, 50% बच्चों आपका काम हो गया है। लेकिन अभी आपको रुकना नहीं है दोस्तों, मैन जो आपका पढ़ा हुआ है वो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है। बात करेंगे बच्चों, रिटर्न एग्जाम आपका कब तक होगा, कब तक आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और दोस्तों इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली कितने कैंडिडेट बैठने वाले हैं, कितना आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है, एग्जाम आप लोगों का कब तक होगा, कैसे आप लोग तैयारी करें ताकि कम समय में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। बच्चों वैकेंसी काफी अच्छी है और बिल्कुल अभी आपको रुकना नहीं है, अभी बिल्कुल भी आपको नहीं रुकना। ये नहीं सोचना कि हाँ मेरा फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, पास हो गया मैं ट्रेड टेस्ट में, नौकरी लग गया। बच्चों अभी जो मैन आपका जो पढ़ा हुआ है वो रिटर्न है, रिटर्न आपको पास करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं, उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट बच्चों सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। बच्चों यहाँ पर बात करेंगे, फिजिकल आपका खत्म हो चुका है और अब आपके रिटर्न एग्जाम होगा, तो कुल कितने बच्चे इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन देने वाले हैं बच्चों, उसके साथ ही आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कब तक होगा, बिल्कुल इसको लेकर मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले बात करें, उससे पहले बच्चों अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरी मैथ वीक है, मेरी रीजनिंग वीक है, मेरी हिंदी वीक है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा बच्चों। आप लोगों के लिए वर्दी बेचा चुका है, जो जिसका सपना यही है कि हर वो एक बच्चा गांव खेत से बिलोंग करता है बच्चों, किसान का बेटा, उसे नौकरी मिलनी चाहिए। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मेरे पास में कॉल करते हैं कि सर मैं कोचिंग नहीं जा पाता हूं, तो यहां पर आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं वर्दी बेस, जिसका यही सपना है कि हर वो एक युवा जिसे वर्दी मिले। और बच्चों यहां पर आपको आर सब्जेक्ट की लाइव क्लासे मिलेगी, और अच्छी बात यह है कि एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है। पीडीएफ नोट बच्चों आपको दिया जा रहा है, जिसे आप कम समय में आराम से रीड कर सकते, जो भी क्लास आपकी होती है बेस्ट फैकल्टी के साथ बेसिक से लेकर आप लोगों को पढ़ाया जाता है बच्चों, ताकि ट्रेडमैन की तैयारी करने वाले बच्चे अच्छे से समझ ले मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। और इस वर्दी बेस का लक्ष्य बच्चों 80 प्लस का है, 80 प्लस का टारगेट हमने लिया है कि हर वो एक बच्चा जो वर्दी बेस से तैयारी करा उसका 80 प्लस का स्कोर जाना चाहिए। साथ ही 1000 प्लस बच्चों के सिलेक्शन का टारगेट है बच्चे, इस वर्दी बेस का आज ही ज्वाइन कर सकता है बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। साथ ही दोस्तों अगर आप अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, 9660832097। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और यह संपूर्ण कोर्स बच्चों आपका 399 रुपए में आपको मिल रहा है। साथ ही हर संडे का आपका एक बड़ा टेस्ट होता है, जिस प्रकार का पेपर आता है उसी के अकॉर्डिंग, जिससे आपको अपने आप को पता चलेगा कि हाँ कितना कितनी मेरी तैयारी है, कितने नंबर मेरे बन रहे हैं, और सभी बच्चों की रैंक निकाली जाती है। ऑल इंडिया ये टेस्ट लगता है बच्चों, और जितने भी बच्चे एप्लीकेशन से तैयारी करें सभी को इस टेस्ट देने का मौका मिलता है। तो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, 399 रुपए मात्र, 200-250 से कम आपको बुक नहीं मिलती। लेकिन यहां पर संपूर्ण तैयारी आप अपने सिलेक्शन की और आ सकते हैं, अगर आप वर्दी बैच ज्वाइन करते हैं तो आप सिलेक्शन से और ज्यादा, सिलेक्शन के और ज्यादा नजदीक आप जा पाएंगे। बच्चों बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले अभी आपका एग्जाम का आपको समय मिलने वाला है बच्चों। एग्जाम आपका जो बताया जा रहा था कि 20 नवंबर को आपका एग्जाम होगा, 20 नवंबर को आपका एग्जाम नहीं होगा। पहली बात मैं आपको बता दूं, रीजन आपका इसको बता देता हूं बच्चों क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि बीएसएफ का जो आपको आरओ और आरएम का एग्जाम होने वाला है बच्चों, बीएसएफ का आरओ और आरएम का एग्जाम है, उसकी डेट आ चुकी है, उसकी डेट आ चुकी है आरओ और आरएम की, रेडियो मैकेनिक और रेडियो इसकी ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम होगा 20 नवंबर को, और ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है बच्चों इसका 20 नवंबर को इसका एग्जाम होगा। तो बच्चों आप लोगों का एग्जाम कैसे हो सकता है 20 नवंबर को, तो कम चांसेस है 20 नवंबर को आपका एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है कि 20 नवंबर का एग्जाम होगा, और दोनों नहीं तीनों पारियों में इसका एग्जाम होने वाला है। तो बाकी के जो ट्रेड के बच्चे हैं उनका एग्जाम कब तक होगा जानेंगे बच्चों, उससे पहले देख लेते हैं कि टोटल इस बार कितने बच्चे रिटर्न एग्जाम देने वाले, कितना आप लोगों का कंपिटिशन रहने वाला है। बच्चों मेहनत डट के करनी है, और मेहनत करने वालों का सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। मेरे पास में कई बच्चे कॉल करते हैं कि सर मैं तैयारी करूं या नहीं करूं, मेरी कैटेगरी में 5 वैकेंसी है। बच्चों नेगेटिव दिमाग में लाना बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि एक भी वैकेंसी होगी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो। एक बच्चे से इंटरव्यू में आपको बताया था बच्चा, वो 2 वैकेंसी थी,
लेकिन उसका सिलेक्शन हो गया था, उसे खुद को उम्मीद नहीं थी लेकिन उसकी तैयारी अच्छी थी। अगर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे बात करते हैं बच्चों यहाँ पर टोटल कितने बच्चे हैं जिन्होंने फिजिकल के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। अप्रोक्स में आपको बता रहा हूं क्योंकि कंफर्म डाटा नहीं है बच्चों, लेकिन अप्रोक्स डाटा में आपको बताऊं तो बीएसएफ ट्रेडमैन की बात करते हैं, बीएसएफ ट्रेडमैन में टोटल आपके फॉर्म बात करें, टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल आपके फॉर्म है वो लगभग बच्चों लगभग 13 से लेकर 14 लाख के लगभग टोटल आपके फॉर्म है वो अप्लाई हुए थे बीएसएफ ट्रेड्समैन में। लेकिन इनमें बच्चों अगर बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, बीएसएफ की तरफ से रिजेक्ट किए गए। काफी लंबे समय तक रिजेक्ट लिस्ट है, रिजेक्ट का जो बच्चों के पास मेल और मैसेज आ रहा था। अगर बात करें तो लगभग 10 लाख के लगभग 10 से 12 लाख मान सकते हैं आप, 10 से 12 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया था। जिन्हें किसके लिए बुलाया गया था बच्चे? फिजिकल के लिए बुलाया गया था। और आप सभी को पता है बच्चों जितने बच्चे फिजिकल के लिए बुलाए थे उतने बच्चे फिजिकल के लिए नहीं पहुंचे थे। लगभग बात करें तो 40% बच्चे अनुपस्थित रह रहे थे, फिजिकल के लिए नहीं आ रहे थे। आप लगभग एवरेज सभी सेंटरों की बात करें अगर यहां पर बात करें तो लगभग लगभग अगर बात करें तो 7 से 8 लाख 7 से 8 लाख बच्चे ही ऐसे थे जो फिजिकल देने के लिए ग्राउंड में गए थे। लेकिन बच्चों यहां पर भी नहीं रुक रहा है क्योंकि यहां पर भी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट में 50% बच्चे क्वालिफाई हुए। अगर 7 से 8 लाख का 50% की बात करें हम 50% की बात करें तो 3 से 3.5 लाख बच्चे इस बार रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, मतलब रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन क्या सभी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट पास सभी अभ्यर्थी क्या रिटर्न एग्जाम देंगे? बिल्कुल नहीं बच्चों, सभी नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चे फिर भी अनुपस्थित रहेंगे एग्जाम सेंटर में आपके। लगभग बात करें लगभग अगर 3 से 4 लाख की बात करें आपका यहां पर 2 से 2.5 से 3 लाख बच्चे ही रिटर्न एग्जामिनेशन में बैठने वाले। कंपटीशन ज्यादा नहीं है बच्चों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप डटकर मेहनत करें, अगर आपको लगता है मेरी मैथ वीक है रीजनिंग वीक है आज ही बैच ज्वाइन कर लो। 399 रुपए बच्चों ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अगर आप बुक भी लेके आते, कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं बुक लेके आया हूं लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कोर्स चाहिए। देख लो बच्चों आप गलतियां कर बैठते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बुक से समझ में नहीं आएगा, आपको एक बार कोचिंग का सारा लेना पड़ेगा। और हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहे हैं, उसी के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं जो आपके ट्रेडमैन का लेवल है बच्चों। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर सारी की सारी जो क्लास है वो ली जा रही है। और रेगुलर आप लोगों की हिंदी रीजनिंग मैथ और जीके सभी की रेगुलर क्लासें आप लोगों की चल रही है, पीडीएफ नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं। आज ही आप बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, इस कोर्स को परचेज कर ले और अपना जो सिलेक्शन है बच्चों वो निश्चित कर ले। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप डटकर मेहनत करेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा आप पढ़ देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएगा। रोज शाम 7:30 बजे से आपकी लाइव क्लासें चलती है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशन चलता है, आप उसमें भी आ सकते हैं बच्चों। सभी के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दिन में बच्चों एप्लीकेशन पर सुबह से शाम तक क्लासें चलती है। तो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डेडिकेटेड होकर तैयारी कर सकते हैं, वहां से टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।